भूमि सुधार आंदोलन को सरपंच एसोसिएशन ने भट्टूकलां खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के तालाबंदी कर दिया समर्थन। सेम समस्या को लेकर भट्टूकलां उप तहसील में चल रहे धरने प्रदर्शन को बुधवार को समर्थन करते हुए सरपंच एसोसिएशन ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट को तालाबंदी कर दी। एसोसिएशन खंड प्रधान चंद्रमोहन पोटलिया ने कहा कि सेम समस्या को लेकर उप तहसील पर जो भूमि सुधार आंदोलन चल रहा है उसे समर्थन देते हुए यह तालाबंदी की गई है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को तालाबंदी कर सरपंच एसोसिएशन सदस्य उप तहसील भट्टूकलां में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय का तालाबंदी की सूचना मिलते ही यहाँ थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने करीब 10 मिनट के बाद ही तालाबंदी खुलवा दी। वहीं धरना स्थल पर शनिवार से अनशन पर बैठे दीपक भांबू अनिल का बुधवार रात्रि को स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अग्रवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बुधवार को जब वे वापस धरने स्थल पर पहुंचे तो कमेटी सदस्यों के आग्रह पर उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया, जिन्हें वृद्ध महिला व दो बच्चों ने जूस पिला उनका अनशन समाप्त करवाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आंदोलन कमेटी संयोजक कमल बिस्ला ने सीएम वार्ता के लिए मिले प्रस्ताव बारे कहा कि उन्हें प्रॉपर चैनल सूचना नहीं मिली है, अधिकारियों के माध्यम से सूचना मिलेगी तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं। कमेटी निर्णय अनुसार 28 जनवरी को महापंचायत रखी गई है। 15 दिन उप तहसील की तालाबंदी को हो गए हैं, जिसे खुलवाने के लिए प्रशासन को सेम की समस्या को दूर करने के कोई ठोस प्रमाण देने होंगे, अन्यथा उप तहसील के तालाबंदी के साथ उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान क्या कहा पत्रकार वार्ता में कमल बिस्ला ने सुने उन्हें की जुबानी। तीनों ही क्रांतिकारी साथी अनिल बेनीवाल ठुंगिया से, दीपक भांबू बनमंदोरी से, ये दो साथी तो पिछले 4 दिनों से अनशन पर थे और सुभाष चंद्र जी ढाबी कला से वो एक दिन से अनशन पर थे। 4 दिनों से बड़े संघर्ष के बाद में दोनों भाइयों के हिम्मत की भी दाद देना चाहता हूं। और कल एक सूचना भी मिली कि मुख्यमंत्री दफ्तर से ये संकेत मिले हैं कि आप बातचीत कीजिए, उनसे एक सूचना दी गई है। तो ये दोनों भाइयों की जीत है, सुभाष चंद्र जी का भी उसमें बड़ा धन्यवाद है। और इन तीनों का आज इलाके के सरपंच एसोसिएशन के सभी सदस्य सरपंचगण गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इनकी दोनों भाइयों की बड़ी लगन की जीत हुई है, इसलिए इनका अनशन तुड़वाना चाहिए। सरकार बातचीत को तैयार हो गई है, इसलिए आज दोनों भाइयों का और सुभाष चंद्र तीनों का अनशन तुड़वाया गया। जी, अभी जैसे आपने बताया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गया, तो अनशन आपका जो अनशन तो तुड़वा दिया, इसके बाद धरना चलता रहेगा या कैसे? तालाबंदी हमारी लगातार जारी रहेगी जी, और बातचीत के लिए तो हमने शुरू से कहा है कि बातचीत कभी हमने बंद की नहीं। जब भी कोई बातचीत करना चाहेगा हम अवश्य जाएंगे उस बातचीत में, किसी भी समय बुला ले हमें, हम उस बातचीत के लिए तैयार हैं। एक प्रॉपर चैनल से जब भी संदेश आएगा भी हम आपसे बातचीत करेंगे तो हम बातचीत के लिए हमेशा द्वार खुले हैं, बातचीत से ही कोई समस्या का समाधान होता है जी। अभी प्रॉपर चैनल से आया नहीं है इसका मतलब? अभी तक प्रॉपर चैनल से संदेश नहीं आया है, सूचना मिली है। जब प्रॉपर चैनल से संदेश आएगा तो हम कमेटी के सदस्य बातचीत के लिए भी जाएंगे और जितनी भी बार बातचीत करनी पड़े बातचीत के लिए हमेशा हमारी यही राय है कमेटी की, हम बातचीत करते रहेंगे और जब समाधान हो जाएगा उस दिन ये ताला खोल देंगे। इतने तक ये तालाबंदी जारी रहेगी और अनशन पर साथी जो बैठे हैं उनका अनशन तुड़वा दिया है। इसके साथ ये भी बताया कि जैसे सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई है, आपको किसी भी सूचना मिली, किसी भी स्रोत से मिल गई हो, आपने एक महापंचायत का भी आयोजन किया हुआ है, तो ऐसे में महापंचायत का आयोजन होगा? महापंचायत का आयोजन जो की त्यों है, 28 तारीख को विशाल किसान महापंचायत होगी तहसील कार्यालय के ऊपर, क्योंकि बातचीत के लिए उन्होंने सूचना मिली है। जब प्रॉपर चैनल से बातचीत होगी और अगर समस्या का समाधान होगा तो 27-28 के लगभग अप्रोक्स डेट बता रहे हैं, तो अभी तक उसके बातचीत के बाद में समाधान ना हो तब तक महापंचायत का जो शेड्यूल है, जो धरने का प्रोग्राम है, वो लगातार जारी रहेगा, उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने यहाँ कार्यालय को तालाबंदी की है, क्या वजह? हमने जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भट्टू तहसील के अंदर सेम की समस्या को लेकर लगातार धरना आज 65वां दिन है चल रहा है और भट्टू तहसील की तालाबंदी को आज 15वां दिन है। हमने हमारी नैतिकता समझते हुए एक सामाजिक दायित्व के हिसाब से आज किसान आंदोलन को, उस धरने को समर्थन देते हुए आज वीडियो ब्लॉग को ताला लगाकर एक दिन का
हम लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है, क्योंकि हम ग्रामीण अंचल के लोग हैं, ग्रामीण अंचल से चुनकर आए हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम किसानों की समस्या पर पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े होकर और पूरे तरीके से उनका समर्थन करें। इस समर्थन को मद्देनजर रखते हुए नैतिकता के हिसाब से आज एक दिन का तालाबंदी वो लोग को किया गया। धन्यवाद।